जम्मू के रियासी जिले के गुलाबगढ़ के पास पोलिंग स्टाफ को ले जा रही गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें दो पोलिंग स्टाफ की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल है, जिसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोकसभा सदस्य और अवामी इतिहाद पार्टी के चेयरमैन इंजीनियर रशीद ने आरोप लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चेयरमैन सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन से आपस में गठजोड़ कर लिया है। ये गठजोड़ कश्मीर की जनता के लिए नहीं बल्कि कश्मीरियों की आवाज को दबाने के लिए है। आज ये तीनों पर्दे के पीछे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और भाजपा को जम्मू कश्मीर में सत्ताहीन होने के लिए मौका दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ आरोप नहीं लगा रहा हूं, मेरे पास सबूत हैं। अपनी पार्टी ने बड़गाम में उमर अब्दुल्ला के पक्ष में अपने उम्मीदवार मुंतजिर मोयुद्दीन को मैदान से हटा दिया है। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला उन पार्टियों का समर्थन ले रहे हैं जिन्हें वो भाजपा का एजेंट, भाजपा की ए और बी टीम बताते थे। पुलवामा जिले में 5 साल पहले सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में आरोपी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बीते सोमवार रात गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में उसकी मौत हो गई। काकपुरा के हाजीबल गांव में बिलाल अहमद कूचे उन 19 लोगों में शामिल था जिस पर पुलवामा हमले का आरोप था। बिलाल अहमद व उसके साथियों ने जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को रसद मुहैया कराई थी और उन्हें अपने घरों में पनाह दी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्र गृह मंत्री जम्मू और कश्मीर में आतंकी हिंसा के लिए 3 परिवारों को जिम्मेदार ठहराकर पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। अगर इन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है तो फिर पाकिस्तान से बातचीत क्यों नहीं होती। भाजपा जम्मू कश्मीर में आतंकी हिंसा के लिए 3 परिवारों को जिम्मेदार ठहराती है जबकि देश के बाकी हिस्सों में इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाता है। आतंकी हिंसा में पाकिस्तान की भूमिका संदेह से परी है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल और डेंटल कोर्स में एनआरआई कोटे को लेकर पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें एनआरआई कोटे का धंधा बंद कर देना चाहिए, ये पूरी तरह से धोखाधड़ी है। इसके साथ ही कोर्ट ने मेडिकल दाखिले में एनआरआई कोटा बढ़ाने वाले पंजाब सरकार की अधिसूचना को भी रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जीबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा ये पैसा कमाने की मशीन के अलावा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जल्द ही इस संबंध में गाइडलाइंस जारी करेंगे, तब तक के लिए ये फ्रॉड बंद होना चाहिए। बांग्लादेश में हिंसा तो थम गई लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। यहाँ अल्पसंख्यकों और उनके धर्म स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में जब यहाँ की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनस न्यूयॉर्क पहुंचे तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल जिस होटल में यूनस रुके हैं उसके बाहर बांग्लादेश नागरिक जमा हो गए और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर उनके खिलाफ नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन कर रहे शेख जमाल हुसैन ने कहा कि डॉक्टर मोहम्मद यूनस ने असंवैधानिक रूप से गलत और गंदी राजनीति से सत्ता पर कब्जा किया है और बहुत सारे लोग मारे गए। बांग्लादेश में कोई सुरक्षित नहीं है।